हाय एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ हरी मिर्ची का पेस्ट बना के फ्रिज में सेव करने की तरकीब। तो इसके लिए बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज़ है। आप सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, गोश्त बना रहे हो, बहुत जल्दी काम आता है। कबाब बना रहे हो, रायता बना रहे हो, सब में ये बहुत जल्दी काम आता है। तो जल्दी से झटपट इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हरी मिर्ची को इसके ऊपर से तोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हरी मिर्ची को यूँ पकड़ के बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लें ताकि ये आराम से पिसे, ठीक है। यूँ करेंगे, यूँ डालेंगे, यूँ करेंगे, यूँ डालेंगे, ठीक है। और एक साथ ही फिर ये इनके हेड्स काट देंगे। फिर उसके बाद हरी मिर्ची को यूँ यूँ करके काट लेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ये करके पूरा लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा इसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने हरी मिर्ची छोटी और बड़ी दोनों ले ली है, यानी ततैया हरी मिर्ची और बड़ी हरी मिर्ची दोनों ले ली है। और इसको मैं यूं करके निकाल के सेव करके रख लूँगी। ये मेरे बहुत काम की चीज़ होता है, ये नहीं होता तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। हरी मिर्ची ऐसे फिर टेस्ट नहीं आता, पतीली में मज़ा नहीं आता। तो ये पूरे निकाल के मैं रख लेती हूँ बना के। ये पाव भर के करीब है, ठीक है। अब इसको बताती हूँ सेव किस तरह करेंगे। आराम से सेव कर लेंगे, आराम से निकालिएगा, मज़े से आप आराम से अपने किसी चीज़ में डाल के, जो रायता बना रही हैं उसमें भी आराम से निकाल के डाल सकती हैं, कीमा बना रही हैं उसमें भी आराम से डाल सकती हैं, गर्स के कबाब बना रही हैं आप मज़े से डाल सकती हैं, गिलावट के कबाब में बहुत यूज़ होता है। अभी मैं गिलावट के कबाब बनाने जा रही थी, मेरे पास ख़त्म हो गया, तो मैं फ़ौरन से आई हूँ, ये निकालूंगी, फिर उसके बाद गिलावट के कबाब की तरफ जाऊँगी। तो अगर हो सका तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा मैं किस तरह की गिलावट के कबाब बनाती हूँ। अभी तो मैं शान की रेसिपीज़ पे काम कर रही हूँ, अपनी रेसिपीज़ भी मैंने बताया आपको, मेरी बीच बीच में आती रहेंगी माशाल्लाह से। तो अभी हरी मिर्ची का पेस्ट बनाना देखते हैं, ठीक है। मैं ये कंप्लीट करके फिर जान आती हूँ वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये मोटा मोटा सा इसको काट लेना है, बारीकियत में मत पड़िएगा तो वरना हाथ आपके लाल लाल हो जाएंगे जैसे मेरे हो जाते हैं। ये देखें तो मेरे हल्के हल्के लाल हो जाते हैं, लेकिन मुझे बना के रखना ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत माशाल्लाह पसंद है ये। तो वो ख़ास करके गिलावट के कबाब जब बनाती हूँ ना तो उसमें बड़ी हेल्प होती है, रायते में बड़ी हेल्प होती है उसके साथ। इस तरह से इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी बन भी जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसकी नौइयत देखते हैं क्या आई है अंदर से। अभी ये देखिए मोटी मोटी सी है, दरदरी सी है, हमें इस तरह नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। 1/4 कप हमारे पास ऑयल है, यानी 1/4 मींस कप का चौथाई हिस्सा, ठीक है। ये इसमें ऑयल डाला नन्ना नन्ना करके, फिर पीसेंगे यार। ये देखें हमारी ये पिस चुकी है हरी मिर्ची। देखें बहुत फाइन पेस्ट बनाना है, और देखें इस तरह का फाइन पेस्ट बना लें। अच्छा क्या, थोड़ा सा तेल डाला था मैंने और ये इस तरह की पिसकर आ गई है, ठीक है। अब मैं बकिया पीसती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा इसको हमेशा पीसते हुए थोड़ी खांसी आती है, प्लीज़ ज़रा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये काम बहुत आती है इसलिए मैं ये पीस कर रखती हूँ हमेशा। ऑयल इसको ख़राब होने नहीं देता, ऑयल पड़ता है, मगर आप एक दफ़ा अगर इसको बना लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं ये सीक्रेट है जो शेयर कर रही हूँ, इसको सेव करना भी बता दूँगी मैं आपको। अभी देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है आपको फिर, ठीक है। मैं और डालती हूँ फिर और पीसती हूँ। ये छोटी वाली मिर्चों को बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा, ये हाथ पे लगती हैं। बड़ी वाली को 2-3 पीस में काट लीजिएगा मोटा मोटा सा, ठीक है। और फिर अब क्या है, देखिए बाकी बचा हुआ तेल ये जा रहा है इसमें, यानी 1/4 कप ही तेल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, या 1/4 कप ही रखेंगे, यानी कप का चौथाई हिस्सा, ठीक है। इसको पीसते फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये आ गया हरी मिर्च का पूरा पेस्ट, ठीक है। ये इसको निकालेंगे हम यहाँ बहुत प्यार से आराम से, क्योंकि बड़ी मेहनत से पिसती है ये, अल्लाह का शुक्र है ये तो मशीन होती है जिससे हम आराम से पीस लेते हैं, वरना यही काम इतना मेहनत से हमारे जो पुराने ज़माने के लोग होते थे किया करते थे। ये बहुत काम आती है शामी कबाब में और चीज़ों में, इतना काम आती है, इतना अच्छा लगता है, इतना जायका डेवलप हो जाता है इससे, तो मैं हमेशा बनाती थी। तो आज मैं बनाने जा रही थी, मैंने कहा यार शेयर कर देती हूँ, शायद किसी बहन को हेल्प हो सके और वो काम में अच्छा समझ के इसको करे और उसको मज़ा आए।
देखें फिर अब क्या करेंगे, मशीन का काम हो गया है। थोड़ी सी मैंने कहा इसको पीसते हुए ज़रा सा ये। अच्छा अब इसको क्या करें, या तो आप इस तरह से भर के रख लें, या तो आप इस तरह के कंटेनर्स आते हैं, ये केन्स आते हैं, या जो भी बॉटल ले लें आप, इस तरह की शीशी ले लें, ये इस तरह की प्लास्टिक के होते हैं, ये आते हैं, तो आप इसमें भर के भी रख सकते हैं, ठीक है, बॉटल्स में। तो आपको ये ख़राब नहीं होगा, पर डीप फ्रीज़र में रखिएगा प्लीज़। मैं हमेशा इसको डीप फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जब काम होता है तो निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे इसको क्यूब्स की शक्ल में भर लेती हूँ। एक क्यूब निकाला और काम हो गया। बहुत बारीकी से मैंने पीसी है, आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा या मोटा भी पीस सकते हैं, मगर मैक्सिमम मिनिमम मेरे मियाँ को मोटी पीसी भी नहीं पसंद आती, तो वो कहते हैं ज़रा बारीक अच्छी लगती है, तो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है मर्दों का, उनकी फरमाइश का। तो ये मैं रफ्तार रफ्तार ये रखती जाऊँगी। इसमें बहुत काम आती है, जब आप सब्ज़ी बना रहे हो, जब आप दाल बना रहे हो, जब आप गोश्त बना रहे हो, जब आप क़ीमा बना रहे हो, बहुत काम आती है ये। और ख़ासकर मुझे तो कबाबों में बड़ी हेल्प हो जाती है जब ये मैं बना लेती हूँ। मैं इस तरह से इसको भरूँगी, देखें बहुत प्यार से, और ये इसको डीप फ्रीज़र में जाके रख दूँगी। अब एक क्यूब निकाला मैंने और डाल दिया अपने उसमें हांडी में, ठीक है, ये बहुत अच्छे से अंदर जाके सेट हो जाती है, बहुत अच्छे से मेरे काम आती है। जब ये नहीं होती मुझे मज़ा ही नहीं आता, मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि यार क्या करूँ क्या करूँ, फिर वो एडजस्टमेंट नहीं आती मेरे मुझसे, तो मैं ये अक्सर घर के कामों में ये ज़रूर रखती हूँ। वैसे ये शान के खानों से तो हेल्प हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है, ये सब चीज़ों की फिर ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शान का खाना पका रहे हो तो फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली तौर पर वो लोग जो होते हैं सब कुछ मिलाए हुए होते हैं, ग्रीन चिलीज़ का पाउडर आता है मार्केट में, वो भी मिलाए हुए होते हैं, सब चीज़ें मिलाए हुए होते हैं मसालों में अपने, तो उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। तो अक्सर बेशतर जब देर तक का खाना वाना पकाना होता है तो मैं ये बना के रख लेती हूँ, मुझे काम आता है, और मैं शान के मसाले ज़रूर घर में रखती हूँ। तो बातें होती जाएंगी, मैंने कहा बातें भी करती जाऊँगी, काम भी हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा कि मैं किस तरह काम करना पसंद करती हूँ, मुझे क्या क्या पसंद है। तो आप भी शायद किसी बहन को अच्छा लगे और वो बना के सेव करे और उसे पसंद आए। जब रायता बनाओ ना तो उसमें से क्यूब निकाल लो, आराम से काम आता रहता है वो, देखो पूरा एडजस्ट हो गया, क्योंकि मैं बनाती इतनी ही हूँ और एडजस्ट हो जाती है मेरे, मैं कम ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, ये पूरा मैं एक ट्रे का बनाती हूँ। इसी हिसाब से जब ख़त्म हो जाता है तो ये मैं दोबारा बना लेती हूँ, ठीक है। ये पूरा ले लिया इसका और इसको भर लिया पूरा, एक एक क्यूब बहुत होता है, टू मच होता है, क्योंकि हमारी आँखों की ये साफ़ सुथरी पिसी हुई है, अच्छी अच्छी हरी मिर्चें हैं, बड़ी हैं, और इसमें छोटी भी हैं, बड़ी भी हरी मिर्चें हमने ले रखी हैं, तो ये बहुत हेल्प हो जाता है हमें, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा अगर इसमें भी लगा हुआ है तो ये भी पोंछ लें, क्योंकि हमारे ही तो है ये, पूरा एक क्यूब बना देते हैं इसको पोंछ पाछ के। हाथ मत लगाइएगा इसलिए कि हाथों में मिर्चें ना लगें आपको, क्योंकि आपके हाथों में मिर्चें लगेंगी मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ ना, मुझे तजुर्बा है इसका, थोड़ा ये मिर्चा करती है हाथ पात में ना, तो ज़रा केयर से बनाएगा, जैसे मैंने प्यार से बनाया है आप भी इसी तरह अगर बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्रे मैं रख दूँगी डीप फ्रीज़र में, जहाँ बर्फ़ जमती है उस खाने में। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर हो सके तो, किसी और को शेयर ज़रूरत हो तो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर। हाँ, और एक बात और, हो सके तो इसको आप एक महीने में खर्चा कर लीजिएगा, ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। लोग इसको दो दो महीना, तीन तीन महीना, चार चार महीना भी चला लेते हैं, मगर मैं एक महीने में इस्तेमाल करके इसको फेंक देती हूँ, मतलब बिल्कुल छुट्टी, ये खाली हो जाता है, ये धुलने के लिए चला जाता है और ये पूरी इस्तेमाल हो जाती है। एक महीने या 15 दिन के अंदर अंदर मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरा उमूमन मैक्सिमम 15 दिन का है, मैं 15 दिन में इसको यूज़ करके ख़त्म कर लेती हूँ। टमाटर की प्योरी जो बनाना सिखाई है पहले, वो भी 15 दिन के अंदर ख़त्म हो कर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 दिन 9 दिन चलाती हूँ प्योरी को, जो अपना मेरा तनासुब है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, ठीक है। लोग 6 महीने के लिए बनाते हैं,
और कुछ कुछ तीन तीन महीने के लिए बनाते हैं, मगर मैं ये सब नहीं करती। अपनी आपको बात थी दिल की, वो भी शेयर कर दी। चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ 3 महीने के लिए डीप फ्रीजर कर दीजिए, आराम से खाइए, क्योंकि पेट तो आपका है, सेहत भी आपकी है, मेरा क्या जाएगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे देखने वाले मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये बता रही हूँ आपको, आप इसको महीना भर चला लीजिएगा आराम से, आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आप 15 दिन चलाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है, और 12 दिन में ख़त्म कर देंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में रखना सही नहीं है, साइंस कहती है, ये मैं नहीं कहती। तो ठीक है, मैं तो अपनी टमाटर की प्योरी को 8 दिन में ख़त्म कर देती हूँ बनाने वाली ये चीज़ को, क्योंकि जब बनी है तो इंशाल्लाह वो ख़त्म भी होगी, और इसको भी मैं 12 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देती हूँ। चाहे तो आप इसको 6 महीना भी इसकी लाइफ हो सकती है, और चाहे तो आप, वैसे तो लोग आजकल बकरीद का गोश्त 8-8 महीना खाते हैं, रख के बकरा कटा हुआ कहता रहता है भाई मेरी एक टांग ऊपर भेज दो, 3 टांगों से मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो बात दरअसल ये मजाक की थी, लेकिन मेरी आदत है मैं साफ बात करती हूँ, तो ठीक है ना। इसको आप ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 12 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, बहुत अच्छा हेल्थ रहेगी आपकी, सब कुछ सेट रहेगा। वरना ज़्यादा फ्रिज का खाना रखा हुआ खाना अच्छा नहीं होता है। टमाटर प्योरी जो भी बताई है वो भी 8 दिन में या 12 दिन में या 15 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो इन दोनों चीज़ों की लाइफ जो है, क्योंकि ऑयल पड़ा हुआ है इसमें, इसकी लाइफ तो 3 महीने आराम से, लेकिन मैं इसकी इजाज़त, इसकी परमिशन आपको नहीं दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसमें भी, टमाटर प्योरी में भी तेल पड़ा हुआ है, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसकी भी लाइफ 3 महीना है, मगर मैं इसकी परमिशन आपको नहीं दूंगी। आप उसको भी तकरीबन 15 दिन में, 12 दिन में या 20 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, जो आपकी सेहत का भी ख्याल रखे, आपके बजट का भी ख्याल रखे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।